किया है। पहले मैंने यहाँ गोटा लगा दिया चारों तरफ, फिर मैंने ये दो लड़ी मोतियों की यहाँ से लगा दी। मैंने फेविकॉल यूज़ किया चिपकाने के लिए। फिर मैंने एक बूटी ली, बूटी तो घर में होती ही है हमारे पास, बूटी लेके फिर मैंने ये पतली माला लगाई, फिर गोल्डन, फिर ये वाइट, फिर ये गोल्डन, फिर एक वाइट। फिर मैंने आटा की या मैदे की, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने उससे आटा को सान लिया पानी से, फिर मैंने उसकी ऐसे लंबी लंबी ऐसे लोई बनाकर मैंने आटा को यहाँ ऐसे शेप दे दी। फिर मैंने शेप देने के बाद मैंने उसे कलर से भर दिया। फिर ये गोल्डन जो है आप देख रहे हैं, इसको मैंने गोल्डन कलर लिया, इसे मीडियम के साथ मिलाया जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, उसे मैंने इसको ऐसे कलर कर दिया, पूरा ये कलर हो गया, इसे सबको कलर कर दिया। उसके बाद अब हम आटा, हाँ अब देखिए मैंने ये मैदे से आटे से इसकी लंबी बेल बनाकर ऐसे लगा दिया। अब हम इसे कलर करेंगे, ऐसे हम इसको कलर कर देंगे। चावल के होते हैं तो यहाँ हम चावल डालेंगे। धीरे धीरे के पोर्शन को भी चावल से फिल कर देंगे। आप चाहे तो इसमें फेविकॉल लगा सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा रही हूँ। ये आप अगर आपको लग रहा है खाली है, इसमें हम थोड़ी बीड्स या मिरर जो आपके पास है, मेरे पास मिरर है, मैंने मिरर यूज़ किया इस तरह से। ये थाली आप इस तरह से रखिए,